जिले का राजकीय मेडिकल कॉलेज L2 अस्पताल है। यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं फेल होने के लगातार आरोप मेडिकल कॉलेज पर लगते रहे हैं। दो दिन पहले शेखपुर विधायक धर्म शाक्य ने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिकायत मिलने के बाद उन्होंने इसको लेकर यहाँ के प्राचार्य से बात भी की तथा अधिकारियों से भी व्यवस्थाओं में सुधार लाने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को पूरे मामले की पत्र के द्वारा शिकायत भी की। उसके बाद शासन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RP सिंह का ट्रांसफर फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में इसी पद पर कर दिया। आपको बता दें कि राजकीय मेडिकल कॉलेज में संक्रमित मरीजों की हुई मौत के आंकड़ों में लगातार खेल चल रहा था, जिसके बाद शासन द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। फिलहाल डॉक्टर RP सिंह को यहां से हटाए जाने के बाद अभी किसी नए प्राचार्य की तैनाती नहीं हो पाई है। मेडिकल कॉलेज का कार्यभार CMS डॉक्टर CP सिंह को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। प्राचार्य को हटाने के बाद ये माना जा रहा है कि विधायक द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर अभी कुछ और अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। बदायूं से सौरभ, न्यूज वन इंडिया। उसके बाद फिर ये शाम का खाना 11 बज रहा है, 11:30 बज रहा है और अभी तक हमें खाना नहीं मिला। अच्छा, दवा हमें पकड़ा दी गई है 8 बजे ही। अच्छा अच्छा, तो दवा खाएं, आराम करें, कब तक इंतजार देखें हमें। सही बात है आपकी, तो आप प्लीज़ जरा इस चीज़ को देखें। जब भी पूछा जाता है तो खाना नीचे बट रहा है।